एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के हमारे खास एपिसोड में हमारा जो बिंदु है वो है थाना गोपीगंज जिला भदोही का, जहां पर एक दो दिन पहले ही एक व्यक्ति की थाने में मौत हो जाती है, जिसे कस्टडी में पुलिस के द्वारा लिया गया था। तो वहीं वहां के ग्राम प्रधानों में भी एसओ को लेकर काफ़ी रोष व्याप्त है। उन लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान जब भी थाने जाते हैं उनको मान सम्मान की जगह तिरस्कार दिया जाता है, जबकि ग्राम प्रधान भी एक जनप्रतिनिधि होता है जो सम्मान का अधिकारी उसी तरह से होता है जिस तरह से सांसद और विधायक। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन के शिवभूषण उपाध्याय, जिनके साथ में एक अपराधियों जैसा व्यवहार मौजूदा मतलब तत्कालीन एसओ द्वारा किया गया। उनके फोटो खींचे गए, उसके बाद उन्हें अपराधी की संज्ञा देने में भी पुलिस ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके तत्काल बाद एक व्यक्ति जो पुलिस की कस्टडी में था उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है और उसके बच्चे आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। कहने को तो भदोही जनपद की गोपीगंज कोतवाली आदर्श कोतवाली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ जो हुआ उसे देखते हुए इस कोतवाली को शायद खुद पर भी अफसोस हो रहा होगा। इस कोतवाली में पहले अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय के साथ अमानवीय व्यवहार तथा अभद्रता की जाती है, तो वहीं कुछ ही दिन बाद पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके लिए थाना इंचार्ज को ही मृतक के परिजन कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इसके बाद पुलिस कस्टडी में हुई रामजी मिश्रा की मौत पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने और मीडिया को बयान देने वाले शिवभूषण उपाध्याय को स्थानीय पुलिस ने धमकाना शुरू कर दिया है। स्थानीय पुलिस कर्मियों का कहना है कि क्या अब थाने नहीं आओगे उपाध्याय जी? अगर बात यहीं पर सीमित होती है तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी हमारा ही समाज दोषी है, क्योंकि जब किसी मुद्दे पर कोई व्यक्ति नहीं बोलता है तब पुलिस ही कहती है कि आप अगर मदद नहीं करोगे तो शायद किसी भी अपराध से पर्दा नहीं उठ पाएगा, लेकिन जब किसी के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा शोक संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं तो थाने के ही लोग उस व्यक्ति को धमकाने पहुंच जाते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? और इस पर अब सवाल उठना तय है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने परिवार की मदद करने का प्रयास किया, उसके साथ में खड़े होने की कोशिश की, आज उसी को स्थानीय पुलिस के कुछ लोग धमका रहे हैं। तो वहीं शिवभूषण उपाध्याय का कहना है कि शायद पुलिस उन्हें किसी न किसी झूठे मुकदमे में भी फंसा सकती है। बहरहाल इस मामले के बाद शिवभूषण उपाध्याय के मन में पुलिस के प्रति डर पैदा हो गया है, जिससे ऐसा लगता है कि मानो उत्तर प्रदेश पुलिस के मन में योगी सरकार की नसीहतों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कैसे भी हो लेकिन अपराध से पर्दा उठना चाहिए, चाहे अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। हम आपको बताते चलें कि शिवभूषण उपाध्याय पूर्व प्रधान रह चुके हैं, जबकि इस समय उनकी माताजी प्रधान के पद पर काबिज हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि होने के नाते थाने तहसील कचहरी जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों के काम ज्यादातर थाना तहसील से ही पड़ते हैं। 11 बजे सुबह थाना कोतवाली गोपी में गए, तो जैसे मैं कोतवाली में घुसा जैसे बाहर कोतवाली के तमाम सारे पुलिस के एक सिपाही बैठे थे और हरिवंश सिंह एसआई बैठे थे और एक राय साहब एसआई थे, वो लोग बैठे थे। उन्होंने लोगों ने मुझे बुलाया और फिर लगे बात कहने, जो बैठे कि खूब प्रधानों की राजनीति कर रहे हैं, खूब ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं और खूब तूल पकड़ाए हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसे मैं सारे लोगों से बात कराता, फिर हरिवंश सिंह से मैं बात करने लगा। हरिवंश सिंह से हमारी सार्थक बातें हो रही थी, क्षेत्रीय बातें हो रही थी जो है, और एक सामंजस्य की बातें हो रही थी। तब तक जो है बैरक से निकल करके आए राकेश यादव, जो हमारे हल्का दरोगा हैं। उन्होंने आते हैं मुझसे कहा जो है कि पंडित जी बहुत राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति आपको बहुत महंगी पड़ेगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने क्या राजनीति कर रहा हूँ, मैं तो जो जायज़ है मैं वही कर रहा हूँ। 24 मई को जब मैं आया था गोपिन थाना में, तो आपके एसओ साहब सुनील वर्मा जी ने मेरे साथ बदतमीजी किया था। उस समय भी बहुत सारे सिपाही थे, लेकिन किसी ने उनको ये नहीं कहा जो मटे कि साहब आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन आज बताइए कि फिर आप जो मटे इस बात को क्यों बार बार जो मटे दोहरा रहे हैं, तो
राकेश यादव जी ने मुझसे कहा कि आप भले ही मेरा ट्रांसफ़र करा दीजिए, लेकिन जिस दिन आप सड़क पर दिख जाएंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस विभाग क्या होता है। और रही बात सुनील वर्मा की, सुनील वर्मा की इतनी जड़ मजबूत है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह उनसे हमारी मतलब बातें हो रही थी और राकेश यादव ने मुझे बहुत सारी बातें कही और मुझे धमकी दिया कि अगर मैं जनपद में रह गया तो जिस दिन भी आप रोड पर दिखेंगे उस दिन आपको समझ में आएगा पुलिस विभाग क्या होता है। तो मित्रों, मैं गोपी थाना में तैनात राकेश यादव एसआई के से उनके कार्यों से क्षुब्ध हूँ और मुझे नहीं समझ में आता है कि हम प्रधानों की राजनीति करते हैं, प्रधानों की समस्या को लेकर के बार बार अगर थाने पर चौकी पर जाते रहेंगे, इस ढंग से अगर पुलिस विभाग के रवैया रहेगा तो हम प्रधान साथी कैसे काम करेंगे। सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं कि आखिर पुलिस चाहती क्या है, क्या योगी राज के अंदर पुलिस को अपना काम करने के लिए पूरी छूट दी जा चुकी है या फिर इन घटनाओं की जानकारी, ऐसे जो भी मामले सामने आते हैं उनकी जानकारी सरकार या फिर एसओ से ऊपर सीओ और सीओ के ऊपर एसपी, एसपी के ऊपर एसएसपी, डीआईजी, तमाम ऐसे आला अधिकारी हैं जिन तक शिकायतें करने के बाद भी एक एसओ पर कोई कार्यवाही नहीं होती। कार्यवाही तो छोड़िए, उसको थाने तक से नहीं हटाया जाता, जिसको लेकर भदोही के ग्राम प्रधानों में रोष व्याप्त है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने को तैयार है या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम भदोही की बात करें तो वहाँ पर थाना गोपीगंज इस समय चर्चा का बिंदु बना हुआ है।